हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली कोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी पूरी दुनिया भर को एक साथ अपनी उंगली पर नचाने वाली ये महामारी लगातार फीकी पड़ रही है, धीमी पड़ रही है क्योंकि इसकी रफ्तार काफी कम हो गई है। लेकिन साथ ही में ये वायरस हार मानने वाला नहीं है क्योंकि लगातार म्यूटेट कर रहा है और सबकी टेंशन बढ़ा रहा है क्योंकि ये पुराने वाले वायरस से काफी ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन शुरू है, नए वायरस के लिए भी वैक्सीन की जरूरत है और इसके लिए वैज्ञानिक पूरे तरीके से काम में जुट गए हैं। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन के दौरान कई सारी खबरें आ रही हैं, तो साथ ही में नए वेरिएंट को लेकर भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, जिनमें कुछ हमें शांति देती हैं, तो कुछ ऐसे खबरें होती हैं जो हमारी टेंशन को बढ़ा देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब सिचुएशन में क्या होगा, लॉकडाउन या फिर लाइफ ऐसे नॉर्मल चलती रहेगी। लेकिन इन सारी खबरों में से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की टॉप 5 खबरों की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे देश में कोरोना का हाल। देश में पिछले 24 घंटे में 12,881 नए केस और 101 की मौत। जी हाँ दोस्तों, लगातार कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी तो नहीं कह रहे, लेकिन रफ्तार काफी धीमी बढ़ रही है और साथ ही में जो नए नए केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और लगातार केसेस की संख्या 15,000 से कम देखने को मिल रही है, तो वही मृत्यु का आंकड़ा 200 से कम है। तो इसी के साथ पिछले 24 घंटे में भारत में 12,881 कोरोना के नए मामले आए और इस तरीके से कोरोना केसेस की संख्या 1.09 करोड़ हो गई है। इसी के साथ ही इसी दौरान 101 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी और इसी के साथ कोरोना वायरस की वजह से जान देने वाले कुल मृतकों की संख्या 1,56,014 हो गई है। तो साथ ही में इस दौरान 11,987 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर लौटे हैं और रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1.06 करोड़ हो गई है। तो साथ ही में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो वही मृत्यु दर में भी कमी देखी जा रही है। दूसरी अपडेट, कोरोना वायरस का नया वेरियंट पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। कोरोना वायरस महामारी एक साल के वक्त से पूरी दुनिया भर को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इस वायरस की रफ्तार कम हो रही है और ये वायरस कमजोर होता जा रहा है। लेकिन साथ ही में ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है और इसका एक नया म्यूटेशन है जो कि ब्रिटेन में पाया गया है। दरअसल ब्रिटेन के कैंट क्षेत्र में जो वायरस मौजूद है, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, ये बहुत ज्यादा घातक है, खतरनाक है और काफी ज्यादा तेजी से फैलता भी है और इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जाहिर की है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना ये है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर ये पूरी दुनिया में फैल गया तो ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, हर किसी को ये संक्रमित करेगा और इस वायरस से उबर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस वायरस से उबरने के लिए कम से कम 1 दशक तक का वक्त लग सकता है। इसी के साथ ही यूके के जेनेटिक सर्वेलांस के मुखिया की माने तो दक्षिण पूर्व ब्रिटेन में फैला कोरोना का ये नया म्यूटेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी घातक है और ये म्यूटेशन पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है और इस म्यूटेशन से उबरने में काफी वक्त लग सकता है। तीसरी अपडेट, खुले बाजारों में कब मिलेगी लोगों को कोरोना की वैक्सीन? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। कोरोना वायरस वैक्सीन जल्द ही लोगों के लिए खुले बाजार में उपलब्ध हो सकती है और इस बारे में पूरी जानकारी दी है एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। दरअसल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद डॉक्टर गुलेरिया ने इस बारे में कहा है कि जल्द ही लोगों के लिए वैक्सीन बाहर मार्केट में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो कि लोग जरूरी हैं, जिनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, पहले उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी और अन्य ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान वॉरियर्स की तरह सामने आए हैं। इसके साथ ही फिर वैक्सीन दी जाएगी 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और फिर सप्लाई और डिमांड वाली अगर चीजें क्लियर होती हैं तो जल्द ही इस साल में ही लोगों के लिए जो वैक्सीन है वो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। उनका कहना ये है कि जैसे ही ये चीजें कंट्रोल में आएंगी, हो सकता है कि साल के अंत तक या फिर अंत से पहले ही वैक्सीन की उपलब्धता मार्केट में हो जाए और लोग मार्केट से इस वैक्सीन को खरीद सकें। चौथी अपडेट, वैक्सीन की शीशी में मिनरल वाटर डालकर चीनी युवक ने कमाए 20 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब ऐसे बहुत सारे मामलात सामने आए थे और चीन ने तो इसके लिए खास मुहिम चलाई थी और इसी मुहिम के दौरान उन्होंने चाइना से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने कि कोरोना वैक्सीन की शीशी में या तो सलाइन वाटर डाला या फिर मिनरल वाटर डालकर लोगों को वैक्सीन के नाम पर उसे बेचा और लोगों के साथ धोखाधड़ी की और इसी धोखाधड़ी के साथ उस युवक ने 20,17,00,000 रुपए की कमाई की है और इस चीनी युवक को इसी आरोप में गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि इसके साथ ही चाइना में लगातार एक मुहिम चलाई गई जो कि कोरोना वायरस के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और चाइना में तब से लेकर अभी तक 21 केस दर्ज किए जा चुके हैं। पांचवी अपडेट, मुंबई में कोरोना का यू टर्न, सामने आए 721 मामले और सिर्फ 3 मौत। कोरोना वायरस महामारी की जो रफ्तार है वो मुंबई महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद बीएमसी की टेंशन बढ़ गई थी और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लग सकता है या फिर जो नियम बनाए हैं उन्हें और भी ज्यादा सख्त किया जा सकता है, बस डिपेंड करता है लोगों पर। और शायद लोगों ने ये बात सीरियसली ले ली है क्योंकि अब कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो मुंबई में धीमी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मुंबई में सिर्फ 721 मामले सामने आए हैं, तो वहीं सिर्फ 3 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान गई है। मुंबई में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 11,428 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार फिलहाल 5,143 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 85% लोग घर पर ही अपना कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाई रिस्क बिल्डिंग एरिया से ही कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 4.50% है। दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें, और मैं आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।